हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। यार मेरी अभी शिकल पे नहीं जाना ठीक है, क्योंकि मेरी शिकल जो है ना अभी थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। सीन ये कि यार आज हमारे घर में कोई नहीं है ठीक है। घर में कोई से मुराद ये है कि यार जितनी भी लेडीज वुमेन्स है ना, वो सब अपने अपने घर गई हुई है ठीक है। इवन मेरी मदर भी मेरे मामू की तरफ गई। तो भाई आज घर पे हम हैं अकेले, और मेरे फादर हैं वो उधर हैं, मेरे जो छोटा भाई है वो उसको अपनी अपनी जॉब है, वर्क फ्रॉम होम है, तो वो अपना ऊपर बिजी है। तो भाई अभी मैं उठा हूँ ठीक है। मैं असल में आप सबको पता ही होगा कि यार मेरा भी ऑनलाइन वर्क है, तो मैं तकरीबन सुबह जाके असल फजर के टाइम पे फ्री होता हूँ ठीक है। तो अभी मैं सो के उठा हूँ यार, भूख बड़ी जालिम लग रही है, बहुत जालिम भूख लग रही है ठीक है। सोच रहा हूँ क्या बनाऊँ। मैंने उठाऊं तो मैंने ये किया कि यार मैंने हमारे घर में आपको बताया सर्वेंट्स हैं, तो वो उनसे मैंने कहा कि यार क्या करना है मुझे बताओ ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई आपके लिए ये चीजें रख के गए। मैंने कहा यार भाई मेरा दिल चीजें खाने का नहीं, काम करते पुलाव बनाते हैं ठीक हो गया। मैंने खैर चावल लिए, उसको उबाले, घंट मैंने अपनी 3-4 घंटे जिंदगी के वेस्ट किए ठीक है। चीजें भी, मटेरियल्स भी जाया किए, चीजें भी जाया की ठीक हो गया। और एंड द एंड द रिजल्ट बिल्कुल खराब था ठीक है, बिल्कुल ही मजे के नहीं बने ठीक है। तो भाई अब क्या करता, चीज जो मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा मैं इस किचन में आया हूँ, पहली दफा, दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैंने यहाँ पर आके कोई चीज कुक की हो अपने लिए या किसी के लिए। मैं किचन की तरफ नहीं ही आता बिल्कुल भी, लेकिन आज मुझे सबक मिल गया है कि भाई जिंदगी में आपको हर चीज आनी चाहिए, आप सबको हर चीज आनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये टाइम आ जाता है तो यार एटलीस्ट आप इतने हो के यार अपने लिए कुछ ना कुछ कर सको ठीक हो गया। तो अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। हाँ एक चीज मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ भाई, अंडे। अंडे भाई मैं लेवल लेवल के बनाता हूँ, क्योंकि वो इजी इजी टू कुक है, ऑब्वियसली वो बना लेता हूँ मैं ठीक है, उसमें इतना रोला नहीं होता। तो अभी जो मेरा जो लड़का था इमरान, वो भाग के गया। मैंने कहा भाई भाग के जाओ और तंदूर से रोटियां पकड़ के ला मेरे लिए। तो जैसे ही वो आएगा तो उसके बाद हम अंडा कुक करेंगे अपने लिए, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। यार इतने टाइम मेरी वीडियोस ना आने की वजह यही थी यार, कि मैं थोड़ा बिजी हो गया था ठीक है, अपने काम के लेके थोड़ा अलम गलम हो गया था। अलम गलम तो आप मतलब जानते ही होंगे, इतना तो मुझे पता ही है। तो जैसे ही वो बाहर गया अभी आएगा तो मैं अंडे शंडे बनाता हूँ आपके लिए, और फिर उसके बाद बैठ के नाश्ता करेंगे। 7 बजे जाके मैं शिफ्ट करूंगा अपनी, उफ वाला मजा आएगा, उफ वाला ठीक हो गया ना। तो अभी जैसे ही वो आता है भाई, वो तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करेंगे, और मैं अपना अंडा बना के ना इंशाल्लाह आपके साथ बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं अंडे। यार वैसे एक बात तो है यार, मेरा जैसा अंडा अगर किसी ने बना दिया ना, मैं मान जाऊंगा भाई। साइडों पे खुरचन नहीं होनी चाहिए, जो खुरचन, जो मेरी मेरी जो लैंग्वेज है उसमें हम खुरचन कहते हैं, जो साइडों से जल जाता है, ब्राउन हो जाता है ठीक है ना, उसको कहते हैं फुल फ्राई। हाफ फ्राई बनाना है भाई लेवल, जिसके ऊपर जूस ना ऐसे तैर रहा वाला ठीक है ना, वो मजे का होता है। तो जैसे आएगा तो मैं आपको बना के दिखाते हैं।
चलो यार, खाना तो गर्म हो गया है, ठीक हो गया। अब ज़रा खा के देखते हैं भाई क्या हालात हैं। ये लो जी पराठा। अरे हाय, ठीक हो गया। उसके बाद ठीक है भाइयों, चलो भाई अब देखो भाई। बहुत मजा। ओके जनाब, तो यार इस तरह आज का दिन हमारा गुजर गया है और बहुत अच्छा दिन गुजरा है। ठीक है, आज के ब्लॉग को करते हैं अल्लाह हाफिज। आपके पास लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, फॉलो लाजमी कर देना, बटन प्रेस करना होता है यार और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अभी के लिए भाई अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना और इंशाल्लाह मिलते हैं अब कल के ब्लॉग में। बाय।